हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉलीवुड हंगामा के इस नए वीडियो के अंदर। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं रिक्शा वाला वेब सीरीज़ के एपिसोड नंबर 5 के बारे में। जी हाँ, आगे के 4 एपिसोड आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वो देखने के लिए भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ से जाके आप वो चारों एपिसोड की डिटेल्स जान सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड नंबर 5 के बारे में। तो उसमें हम देखते हैं कि लड़का निशा के भैया और भाभी उसके लिए चुनते हैं, वो फाइनली निशा भी इस लड़के को सेट कर लेती है और उसके प्यार करने लगती है। लेकिन निशा को यह पता नहीं होता है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है उस लड़के का ऑलरेडी कई अफेयर चल रहा है। उसकी भाभी के साथ भी वो चलता है, क्योंकि एक दिन जब वो रोमिल को फ़ोन करती है तो रोमिल के मुंह से सेक्सी आवाज़ सुनाई देती है। तो निशा उससे पूछती है कि तुम इतना हाफ क्यों रहे हो और कहाँ हो ये मुझे बताओ। तो बताता है कि मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो निशा उसको बोलती है कि ठीक है, जब तुम फ्री हो जाओ तब मुझे कॉल ज़रूर कर देना। अपराध को कुंदन निशा से मिलने के लिए दीवार कूदकर चोरी से उसके पास आ जाता है। तो उसको यहाँ पर निशा काफ़ी टेंशन में दिखता हुआ नज़र आती है और वो उसको बोलती है कि कुंदन तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, अगर भाभी ने हमको देख लिया तो आफत आ जाएगी। तो कुंदन उसको बोलता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो बताती है कि हम कल बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ से जब तक नहीं जाओगे तब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। जी हाँ, कुंदन भी आज उससे सारे सवालों के जवाब देखने के लिए वहीं खड़ा रहता है। तो वो निशा उससे बोलती है, तुम ध्यान से सुनो, जिस लड़के को मेरे भैया और भाभी ने मेरे लिए चुना है अब मैं उससे ही प्यार करने लगी हूँ और उससे ही शादी करने वाली हूँ। तो हमारे बीच में अब जो कुछ भी था वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब कुंदन उसको बोलता है कि मुझे पता ही था कि तुम इंसान से नहीं पैसों से प्यार करती हो, क्योंकि उस बंदे के पास पैसा है इसलिए तुम उससे शादी करना चाहती हो और मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो, लेकिन मैं एक रिक्शा चलाने वाला हूँ इसलिए तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया, मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी वार्तालाप होता है और उसकी भाभी यहाँ पे आ जाती है और निशा को बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे मालूम ही था कि ये ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। तो वो उसको बताता है कि क्या मैडम, हवस और लालच कभी भी कम नहीं होती, दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, मैं भी इस परिवार को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों निशा की भाभी आग बबूला हो जाती है और उसको बोलती है कि तू 2 कौड़ी के रिक्शा चलाने वाले, तेरी औकात ही हमारे सामने क्या है और तू हमारे सामने खड़ा भी कैसे रह सकता है, मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी और तुझे जेल की चक्की भिजवाओगी, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। उसके बाद कुंदन मुस्कुराते उसके भाभी को बोलता है कि मैडम आप चुप रहिए, मुझे जेल भिजवाने से पहले मैं तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद वो उसके फ़ोन में निशा और उसका MMS वाला वीडियो दिखा देता है, क्योंकि दोस्तों निशा के साथ रोमांच करते हुए उसने उस कमरे में कैमरा लगा दिया था और इस वीडियो को देखकर उसकी भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जी हाँ, और कुंदन से वो पूछती है कि वीडियो डिलीट करने के लिए तुम कितने पैसे लोगे। जी हाँ, वो उसको ऑफर करती है और कुंदन भी उसे बोलता है कि मुझे 30 लाख रुपये चाहिए, तुम अगर ये चीज़ करोगी तो ही मैं ये वीडियो डिलीट करूँगा और लेकिन उसके लिए हम दोनों को साथ में मिलके रहना भी पड़ेगा। जी हाँ, 2 कौड़ी के रिक्शा चलाने वाली की इतनी औकात। जी हाँ, वो उससे पूरे 50 लाख रुपये मांगने के लिए भी बोलता है। जी हाँ, और उन दोनों के बीच में अब तूतू मैं शुरू हो जाती है। जी हाँ, और वो साथ में बोलती है कि ये अरेंज करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए।
और वहाँ पे ही ये वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 ख़त्म हो जाता है। वेब सीरीज़ में काफ़ी इंटरेस्टिंग रोमांस आ गया है और इसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।